चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान। इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। बच्चे हैं कोमल, एक दिन खेलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खेलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे ही देश का भविष्य है, इनके बिना संसार की कल्पना करना असंभव है। बच्चे अगर नहीं होते, घर घर में वीरानी होती, दिल सबका छू लेने वाली नहीं तोतली वानी होती, गली गली में खेल खिलौने का भी कारोबार न होता, अगर धरती पर इतना प्यारा बच्चों का संसार न होता। वाकई ये बच्चे जो हैं वो ईश्वर का ही रूप होते हैं, इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। ये अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबका मन मोह लेते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम इन्हीं नौनिहालों को समर्पित है। आज बाल दिवस है और हमारे बीच हमारी विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर निरुपमा, जो एक शिक्षिका हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है और झारखंड में ICT अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। डॉक्टर निरुपमा, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास बोकारो में हिंदी की शिक्षिका हूँ। बच्चों के साथ रहने के कारण बच्चों के लिए काम करने का अधिक अवसर मिला है और इसी का यह परिणाम है कि ये पुरस्कार या सम्मान या मेरे परिचय में मैं जो कुछ भी जोड़ सकूँ ये इसी का प्रतिफल है। शिक्षा के साथ साथ साहित्य और कला में भी मेरी रुचि है। हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, आइए उनसे भी परिचित होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आद्या मेहता है, मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्युष सिन्हा है, मैं LKG में पढ़ता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साई आशीष है, मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम निशांत कुमार है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, बाल दिवस संपूर्ण भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। बच्चों में वह देश का भविष्य मानते थे। बच्चों के प्रति असीम प्यार को देखते हुए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मैम, वैसे तो संपूर्ण भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पूरे विश्व में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये सही बात है कि पूरे विश्व में इसे हम 20 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन भारत में 14 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे। निरुपमा जी, इनको बताइए आपके 14 नवंबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अडॉप्ट किया था और उस दिन को विश्व भर में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका एक विशेष थीम भी होता है और इस वर्ष इसका थीम है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। और ये ज़रूरी भी है कि प्रत्येक बच्चे को उनका बेहतर भविष्य मिले। और जैसा कि आपने बताया, भारत में जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि उस दिन नेहरू जी का जन्मदिन है। दरअसल उनकी मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ और उनकी मृत्यु के बाद जो भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। बच्चों के प्रति उनका प्रेम इतना ज़्यादा था, स्नेह इतना ज़्यादा था, बिल्कुल, इसीलिए बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं, इस दिन उनका जन्मदिन है। प्रत्युष, आप तो बिल्कुल नेहरू जी की तरह लग रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि नेहरू जी कौन थे? हाँ, मैं जानता हूँ, वो भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। अच्छा, आपने कोई कविता पढ़ी है उनके बारे में? हाँ, चाचा नेहरू आए थे, खूब किताबें लाए थे, दिल्ली में ये रहते थे, भारत की जय कहते थे, सबको गले लगाते थे, हमको यही सिखाते थे।
बहुत बढ़िया, आपने तो अच्छा ही सी एक कविता याद कर रखी है। नेहरू जी के बचपन के बारे में कुछ बच्चों को आप बताइए। तो अच्छे परिवार में जन्मे, पले बढ़े सारी सुविधाओं के बीच, और इसी बीच की एक घटना है जो मुझे बहुत अभी भी प्रेरित करती है कि एक बार उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने देखा कि वह अपने जूते पे स्वयं पॉलिश कर रहे हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि इस काम के लिए तो आप किसी को भी बोल सकते थे, कोई भी आपके जूते पॉलिश कर देता, आपने खुद क्यों किया। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त में जवाब दिया था कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उस काम को करने के लिए मैं किसी और को क्यों कहूँ। और यह बात मुझे बहुत प्रेरित करती है कि ये छोटे छोटे काम ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। नेहरू जी शुरू से ही अपना काम स्वयं किया करते थे, ये सबसे बच्चे जो हैं सीखेंगे कि अपना काम ने स्वयं कैसे करना है। और आद्या, आपको क्या पता है नेहरू जी के बारे में? नेहरू जी थे कौन, जानती हैं आप? हाँ, नेहरू जी को मैं जानती हूँ। आज उनका जन्मदिन है, इस उन्हें बच्चे लोग बहुत पसंद थे, इसलिए आज हम बाल दिवस बनाते हैं। अच्छा, उन्हें कौन सा फूल बहुत पसंद था, क्या जानती हैं? हाँ, उन्हें लाल गुलाब पसंद था, इसलिए आज मैंने लाल गुलाब लाया है। अच्छा, आप लाल गुलाब लेकर आई हैं? हाँ। अच्छा, आप गुलाब पे कुछ नेहरू जी का, अरे बहुत प्रसिद्ध एक गीत है, हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है और कैफ़ी आज़मी ने इसे लिखा है, और कहीं ना कहीं इस गीत को नेहरू जी के जीवन से भी जोड़ा जाता है। और उसकी पंक्तियाँ इस तरह हैं कि मैंने एक फूल अपने सीने से लगा रखा है, इसके पर्दे में प्यार छुपा रखा है। नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ, क्या पता है आपको आशीष? हाँ, मुझे पता है, नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई? हाँ, मैं जानता हूँ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई इलाहाबाद से की। जब वो 15 वर्ष के हुए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लैंड के हैरो स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने कैबरिन के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री ली। अच्छा, नेहरू जी को तो पढ़ाई से बहुत उनका लगाव था, वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो पढ़ें, बच्चे शिक्षित हों, अगर बच्चे शिक्षित होंगे तभी हमारा देश जो है वो प्रगति करेगा। तो उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, तो क्या आपने कहीं उनकी किताबों के बारे में पढ़ा या सुना है कुछ? हाँ, मैंने सुना है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कारावास के दिनों में भारत की खोज नाम से किताब लिखी थी, जिस पर एक टेलीविज़न शो भी बनाया गया था। उनकी एक किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम से है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के पूछे गए सवालों के जवाब दिए थे। हाँ, बिल्कुल सही, वो जो इनकी एक किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये बहुत प्रसिद्ध किताब है उनका, और तो उसके बारे में आप पढ़िएगा जाके, आपने सुना है लेकिन अब आप पढ़िएगा। अच्छा, नेहरू जी के पढ़ाई लिखाई के बारे में कहाँ कैसे उन्होंने किया कुछ, इसके भी बारे में बच्चों को आप बताइए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छे से उनके जीवन के बारे में अभी हमें बताया, और नेहरू जी के पढ़ाई के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इनका जो पारिवारिक इनकी पृष्ठभूमि है हम उसको भी जानना चाहेंगे। तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी। इनकी दो बहनें थीं जो इनसे छोटी थीं। तो इनकी जो बड़ी बहन थी विजया लक्ष्मी, वे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और इनकी सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी, और उन्होंने अपने परिवारजनों के बारे में उनसे संबंधित उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा, जैसे आपने बताया, ट्रिनिटी कॉलेज से ली, और कैम्ब्रिज लंदन में वो स्थापित है। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ली थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल बिताए थे, और इतनी अच्छी पूरे दुनिया में इस स्तर की शिक्षा लेने के बाद वो फिर महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं, और देशभक्ति की भावना उनमें इतनी प्रबल होती है कि उसके बाद फिर वो भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, भारत की उन्नति के लिए ही काम करते हैं। नेहरू जी हमेशा कहते थे कि बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए, कई शिक्षण संस्थान भी उन्होंने खोले जहाँ से युवा भी पढ़े और आगे उनको अच्छी सी रोज़गार की संभावना मिले। आज भी भारत सरकार कई योजनाएं चला रही हैं बच्चों के लिए, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं उस पर कुछ आप प्रकाश डालिए।
भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जिनकी अगर जानकारी हो तो प्रत्येक बच्चा अपने कैरियर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी शिक्षा के लिए बेहतर प्रयत्न कर सकता है। भारत में आज भी कई हिस्से हैं ऐसे जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। इसी समस्या से निजात पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शिशु विकास योजना, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना 2022 की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य है कि जिन बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छा जीवन नहीं मिल रहा है, उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख तक का बीमा किया जाता है, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को 5 लाख तक की राशि मुहैया कराई जाती है। इसी तरह अभी कोविड के दौरान कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, तो उनके लिए एक योजना है पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम। ये स्कीम उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 11 मार्च 2020 को जो कोरोना महामारी शुरू हुई थी, इस दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, जो अभिभावकों से दूर हो गए या उन्हें खो चुके हैं, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए यह योजना है और इस योजना का नाम है पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रन स्कीम योजना। ही इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, इस तरह की कई योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है। इसके साथ साथ ऐसी योजनाएं हैं जो लागू की जा रही हैं जिससे कि यहाँ के बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने कैरियर में भी बेहतर कर सकें। तो जो कार्यक्रम केंद्र सरकार के होते हैं उनको तो लागू किया ही जाता है, इसके साथ साथ झारखंड सरकार ने भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत से काम किए हैं। और इसके साथ साथ मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो कि हाल ही में शुरू हुई है, इसके अलावा विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं को मुफ्त पुस्तक की उपलब्धता दी जाती है सरकारी विद्यालयों में। इसके साथ साथ समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। बच्चों के उचित शैक्षणिक माहौल के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, JVAV विद्यालय, इसके अलावा आंगनबाड़ी का सशक्तिकरण, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी छात्रवृत्तियाँ भी हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा बच्चों को दी जाती हैं ताकि उनकी शिक्षा कहीं बाधित ना हो। हाँ, ये बच्चों को पता होना और उनके अभिभावक को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। अच्छा आशीष, आपने नेहरू जी पे एक कविता अभी कुछ देर पहले मुझे आपने सुनाया था, वो कविता आप सुनाइए। बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल, जगह जगह पर आज मची हैं खुशियों की रेलम पेल। वर्षगांठ चाचा नेहरू की फिर से आई है आज, उन जैसे नेता पर पूरे भारतवर्ष को है नाज। मन से इतने भोले थे वो जितने हम नादान, बूढ़े होने पर भी मन से थे वो सदा जवान। हमने उनसे मुस्काना सीखा, सारी संकट झेल, बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल। हम सब मिलकर क्यों ना रचाएं ऐसा सुख संसार, जहां भाई भाई हो सभी के, छलकता रहे प्यार। न हो घृणा किसी हृदय में, न हो द्वेष का वास, न हो झगड़े कोई हो अधरों का हास, न हो परस्पर कोई झगड़े, सभी का हो आपस में मेल। बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल, जगह जगह पर आज मची है खुशियों की रेलम पील। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सबको मेल जोल से प्रेम भाव से रहना चाहिए, है ना, सारे बच्चे प्रेम भाव से रहे, ये तो ये अभी आज का जो है समाज, एकता और विश्व बंधुत्व का संदेश, बहुत ज़्यादा ये संदेश ये देना ज़रूरी है अभी। और इसके अलावा संविधान में भी कई ऐसे अधिकारों का चर्चा है जो बच्चों के लिए है, तो उन अधिकारों की भी चर्चा हम कर लेते हैं। बिल्कुल, जब हम समाज में बात करते हैं तो ना केवल खुशहाल बच्चे हैं बल्कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो वंचित हैं, और बच्चों के कुछ निश्चित अधिकार हैं जो उन्हें ज़रूर मालूम होने चाहिए। तो भारतीय संविधान में बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों से सुरक्षा।
अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत है कि आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, इससे सुरक्षा। अनुच्छेद 39 च में है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमज़ोर तबकों से बचाव का अधिकार शामिल है। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों के अलावा कुछ अधिनियम भी हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बताने जा रही थी कि इसके अतिरिक्त कुछ अधिनियम भी हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। झारखंड की केंद्रीय समस्याओं में आज भी बाल विवाह की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में कार्य करने को वैध माना गया। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया, जैसे माइंस वगैरह होते हैं, खदान ये सब होते हैं जिसमें कि बहुत खतरा होता है, या फिर शीशा या जो आग से जलने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री वगैरह, तो इनमें भी इनका काम करना निषेध है। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20,000 से 50,000 रुपये तक की जुर्माना का प्रावधान है, या 6 माह से 3 साल तक की कैद या फिर दोनों का प्रावधान है। और अगर कोई दोबारा पकड़ा जाए तो उसे सीधे साल भर से 3 साल तक के कैद का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 क को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा है एक किशोर न्याय अधिनियम 2015। जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार दिया गया। 16 से 18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और उन्हें जेल या हवालात नहीं भेजा जा सकता। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। इसके अलावा एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी है। यह बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य इनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है, ये मुख्य उद्देश्य है। निरुपमा जी, बच्चों से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ इन बच्चों को सुनाइए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि नेहरू जी का बच्चों से बहुत लगाव था, और कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें ये बात सामने आती है कि नेहरू जी बच्चों से किस तरह से प्रेम रखते थे। तो एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। नेहरू जी पर एक कविता है जो मैंने कभी सुनी थी, आपने भी सुना होगा, कि दूर देश के बच्चों को वो भेजा करते घोड़े हाथी। और उस वक्त मेरे मन में ये बात आती थी कि आखिर ये पंक्ति लिखी क्यों गई होगी। तो बाद में मुझे इस कहानी का पता चला कि एक बार उन्हें एक जापानी बच्चे ने खत लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, और उस वक्त में वहाँ का एक जू था जिसके सारे हाथी मारे जा चुके थे। तो उस जापानी बच्चे ने नेहरू जी को खत लिखा कि उनके जू में हाथी नहीं है, और नेहरू जी ने अपने पूरे प्रयास से एक हाथी खोजा वैसा, और उसे उस जू में भेजा, और उस हाथी का नाम उन्होंने रखा था इंदिरा।
तो ये तो हो गई एक कहानी। इसके बाद एक और जिसको हम कहते हैं वात्सल्य का भाव उनके अंतर्गत था, इसको बताती हुई भी एक उनसे जुड़ा हुआ एक प्रसंग है कि वो जब अपने प्रधानमंत्री आवास में रहते थे उस वक्त में एक दिन सुबह सुबह टहल रहे थे, बहुत ठंडी हवा, बहुत सुरम्य वातावरण, उसके कैंपस में खूब सारे फूल खिले हैं और पौधे वगैरह लगे हुए हैं, वो टहल रहे थे सुबह सुबह। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उस वक्त में किसी बच्चे के रोने की संभावना, उन्हें पहले संदेह होता है कि कोई रो रहा है या कहीं भ्रम हो रहा है। फिर वो गौर करते हैं तो वो पाते हैं कि पेड़ के झुड़मुट में एक बच्चा है लेटा हुआ और वो रो रहा है। वो अनुमान लगाते हैं नेहरू जी की, हो सकता है इसकी माँ इसी बगीचे में कहीं आसपास काम कर रही हो। तब तक वो बच्चा रोता ही रहता है और उसका रोना नेहरू जी से बर्दाश्त नहीं होता है। वो उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं और उसे पुचकार कर चुप कराने का जो प्रयास होता है एक माँ के द्वारा, ठीक वैसे ही वो उसको पुचकार कर चुप करने लगते हैं। वो बच्चा बड़ा गोल मटोल स्वस्थ सा बच्चा था और थोड़ा सा पुचकारने के बाद ही वो हंसने लगा और बहुत प्यारा सा बच्चा नेहरू जी की गोद में अब हंस रहा था और नेहरू जी उससे बातें कर रहे थे। तभी उसकी माँ आती है दौड़ी हुई और वो अपने बच्चे को नेहरू जी की गोद में देखती है और उसके बाद वो बताती है कि शायद वो कहीं काम करने गई थी। तो उस वक्त जो उनका प्रेम था बच्चे के साथ वो बिल्कुल एक माँ का जैसा प्रेम होता है बच्चे से वैसा ही वहाँ पर दिखाई दिया। कई बार बच्चों के चक्कर में उन्होंने अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया। एक प्रोटोकॉल होता है ना प्रधानमंत्री का कि वो ये करेंगे वो नहीं करेंगे। एक बार क्या हुआ कि वो एक मंदिर गए थे, उस मंदिर में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची आई उनके पास और उसने कहा कि आप हमारे साथ नाचिए। अब पहले तो इन्होंने उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की लेकिन उसके साथ और बच्चे थे, वो सब ज़िद करने लगे और उसके बाद अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने बच्चों के साथ डांस भी किया था। तो ये था नेहरू जी का प्रेम बच्चों के प्रति। बच्चों में बिल्कुल वो घुल मिल जाते थे, मतलब वो बच्चे जहाँ देखे बस नेहरू जी अपने आप को बस उन बच्चों में ही वो खो जाते थे कि बच्चे हैं, और बच्चों को गुलाब का फूल भी कहा करते थे सारे बच्चे के साथ। उन्हें उनका जीवन ही ऐसा था, इसलिए उनका जो जन्मदिन है उसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल दिवस पूरे भारत में त्यौहार की तरह मनाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में इसे बहुत भव्य रूप से इसका आयोजन होता है, मगर इन भव्य आयोजनों के बीच हमें मुख्य उद्देश्य ज़रूर याद रखना चाहिए, हर एक बच्चे को हमें समान अवसर देना है, उन्हें प्रेम पूर्वक वातावरण देना है ताकि वो सही ढंग से पढ़ लिख सकें, सही ढंग से उनका प्रगति हो। बच्चा अगर प्रगति करेगा तो देश प्रगति करेगा। आज के बच्चे कल का भविष्य बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।